जम्मूच्या या भागांमध्ये एकापाठोपाठ एक अनेक कट्टरतावादी हल्ले झालेत बहुतांश हल्ल्यांनंतर हल्लेखोर पकडले गे गेले नाहीत जम्मूत गेल्या दोन तीन वर्षात झालेल्या कट्टरतावादी घटनांकडे नीट पाहिलं तर हल्लेखोर पकडले न जाणं हा एक नवीन पॅटर्न म्हणून समोर येतोय या पॅटर्नची सुरुवात ऑक्टोबर दोन हजार एकवीसमध्ये झाली जेव्हा पूंछ आणि मेंढर भागात झालेल्या चकमकीत नौसैनिक मारले गेले होते या दोन्ही चकमकीनंतर भारतीय लष्कराने जंगलांमध्ये शोध मोहिमा राबवल्या महिनाभरापेक्षा जास्त काळ लष्कर आणि कट्टरतावाद्यांमध्ये जंगलात एनकाउंटर सुरू असल्याच्या बातम्या येत राहिल्या तोपर्यंतच हे सर्वात प्रदीर्घ एन्काउंटर मानलं गेलं पण अनेक आठवडे गेल्यावरही कट्टरतावाद्यांचा सुगावा लागला नाही अलीकडच्या हल्ल्यांमध्येही तसंच काहीच पाहायला मिळत आहे हल्ले झाले पण हल्ले खोरांचा काहीही तपास लगला नहीं। जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू काश्मीर से माजी पोलीस महासंचालक एसपी वेद यांचे म्हणणे कि की कट्टरतावाद्यांच्या रणनीतीत बदल झालेत एक तो इनको जंगल वारफेअर माउंटेन वॉरफेअर में ट्रेन किया हुआ है आधुनिक हथियार दिए हुए हैं जिसकी पॉवर बहुत ज्यादा है और वो आप ऑलमोस्ट स्नाइपर की तरह काम दे रहा है नाइट विजन है रात के वक्त यूज कर सकते हो दूसरा इनको वो इसमें बताया गया कि कहाँ सर्विलेंस रखें आर्मी पर उनकी मूवमेंट नोट करें उस पर अटैक करें और अपने भागने का रास्ता देखें यह नवीन पैटर्न ने सामान्य लोग चिंतित भर घट लिए वो आते हैं वारदात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं गायब कहाँ चले हो जाते हैं तो मिनट सेकेंड टू में तो बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं है यहाँ आपने देखा होगा कितने घने जंगल हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं इतना टफ एरिया है ये तो ये जो कार्रवाइयाँ यहाँ हो रही हैं और जो रुख जम्मू का किया है तो इस इलाके में दहशत को ढूंढना मारना कश्मीर के मुकाबले में मुश्किल है हम तो ये समझते हैं कि पूरी स्ट्रेटी चेंज हो गई है और एक देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि ग्रोला वार जो हुआ करते थे सोना करते थे उस हिसाब से ये आके तो ये हमले करते हैं गाड़ियों पे करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी पे करते हैं उसके बाद ना मिलना और ट्रेस ना होना और उनका जंगलों में चले जाना या ऐसी ऐसी हट बनाई हुई उन्होंने ना मिलना ये एक तश्वीशनाक बात है सरहद से सटे राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में घुसपैठ और हमले एक आम बात रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में इन हमलों के पैटर्न में एक बदलाव देखा जा रहा है पहले हमले होते थे लेकिन सुरक्षा बल इन हमलावरों को पकड़ने या मार गिराने में कामयाब होते थे पिछले दो तीन साल की घटनाओं को देखें तो ये बदल गया है अब हमले हो रहे हैं लेकिन इन हमलों को अंजाम देने वाले लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं ये लोग बिना किसी सुराग के गायब हो रहे हैं और ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है यावर्षी एकवीस जुलैपर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये अकरा कट्टरतावादी हल्ले झाले आणि एकूण अठ्ठावीस लोकांचा मृत्यू झाला मृतांमध्ये चौदा सैनिक आणि चौदा नागरिकांचा समावेश होता दोन हजार तेवीसमध्ये सेहेचाळीस कट्टरतावादी हल्ल्यांमध्ये चव्वेचाळीस लोकांनी प्राण गमावले मृतांमध्ये तीस सैनिक आणि चौदा नागरिकांचा समावेश होता दोन हजार तेवीस सालात एकूण अठ्ठेचाळीस एन्काउंटर किंवा दहशतवाद विरोधी कारवाया झाल्या एकवीस जुलै वा दोन हजार चोवीसपर्यंत पर्यंत चोवीस एन्काउंटर किंवा दहशतवाद विरोधी कारवाया हल्ल्यांपैकी एकाच घटनेत दोन कट्टरतावादी मारले गेले यातला एक कट्टरपंथी स्वतःच्याच ग्रेनेडच्या स्फोटात मारला गेला आणि दुसरा सैन्याबरोबरच्या चकमकीत या हल्ल्याची झळ बसलेल्या लोकांना भेटण्यासाठी आम्ही कठुआला पोहचलो कठुआ मधल सुहाग गाँव अक्रा जून लाम आल जेवे दोन हलेखोरान गोलीबार किया गाँवकनी हमें महति दिल उसने हमें आवाज़ लगाई उसने बोला कि भाई पानी पिलाओ तो इतने मैं उसको बोला कि पानी पिलाते हैं तू है कौन तो फिर उसने दोबारा बोला कि भाई पहले पानी पिला फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर तू तो अपना नाम बता दे और कहाँ से है ये बता पानी ले आता हूँ मैं तो उसने बोला आप बैक के बात करते हैं डोगरी पंजाबी मिक्स ही बोल रहा था तो जैसे मैं कदम आगे बढ़ाए मैंने तो उसने वो वेपन उसने पीछे था उसने वो आगे पकड़ लिया वेपन तो मैं पीछे की तरफ भागा फिर एक मिनट बाद उसने फायर खोल दिया मैं लेट रहा था यहाँ इधर टी लगाया हुआ था और वो इधर खड़े हुए बोलते बाबा पानी पिलाओ तो मैं जब उठा तो एक ने ऐसे जग ले के यहाँ से बाल्टी से पानी एक ने ऐसे करके पिया और एक ने मूँग लगा के पिया बाहर सामने उन्होंने चार पांच फायर किए और उसके बाद मैंने शटर बंद कर लिया तो मैं अंदर ही लेटा रहा बता रहे थे कि उग्रवादी आ गए हैं उन्होंने ग्रेनेड फेंका ये बाहर गया देखने के लिए तो वहां तक जैसे ही पहुंचा इन्होंने उस पर गोली चला दी चार गोलियां चलाई हम डरे हुए हैं शाम को 6 बजते ही गांव सुनसान हो जाता है लोगों को डर है कि वो लोग कहीं फिर से ना आ जाएं। चार भैल की लोगों में डर का माहौल अभी भी क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि वो आसपास ही हैं क्योंकि अभी जो अटैक हो रहे हैं दाएं बाएं तो ये सारा जंगल एरिया है और जंगल के एरिए होने के कारण लोगों में ज़्यादा दशत का माहौल है जम्मू के बहुत से गांव इसी तरह के घने जंगलों से घिरे हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन इलाकों से करीब बीस किलोमीटर दूर है सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इन्हीं घने जंगलों में छुप छुपा कर चरमपंथी सीमा पार से भारत में दाखिल होते हैं 11 जून को सुहाल गांव में हुई हिंसा घटना के बाद यहां के लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं इन इलाकों के लोग अब लगातार एक खौफ के साय में जी रहे हैं जम्मू में अलीकड़े घड़ा घटना भीति वातावरण है आणि गेल्या दोन वर्षातल्या घटनांच्या जखमा सुद्धा अजून भरलेल्या नाहीत राजौरीच्या ढांगरी गावातल्या या घराबाहेर चोवीस तास पहारा असतो एकतीस डिसेंबर दोन हजार बावीसला इथे दोन कट्टरतावाद्यांनी गोळ्यांचा वर्षाव केला आणि दुसऱ्याच दिवशी इथे बॉम्बस्फोट केला या दोन घटनांमध्ये सात लोकांचा सा मृत्यू झाला ज्यात दोन लहान मुलं सुद्धा होती सरोज बालांचे दोन तरुण मुलगे या हल्ल्यात मारले गेले आणि हल्लेखोरांनी इथून पळ काढला त्या अजूनही न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत बुला सकता अपने बच्चों को नहीं कोई बुला सकता लोगों की गाड़ियां आती है तो मुझे अभी पता चलता वगैरह मेरा बच्चा आ रहा है कोई मुझे अभी पता लगता है कि मेरे बच्चे जिंदा हैं मेरे घर में सिर्फ ईट और पत्थर ही बचे हुए हैं

खुद रहने के लिए भी कुछ जगह चाहिए खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए पहनने के लिए कपड़ा चाहिए हर चीज़ चाहिए उनको तो वो तो फिर से सपोर्ट हो रही है उनको इधर से तो देते हैं राजौरी पास साधारण नव्वेद किलोमीटर दूर पूंछ मधे हमारा हेच ऐसा मिला तो जो हमारा ये नुकसान जो अभी हो रहा है ना ये मिली भगत के बगैर नहीं हो रहा है एक आदमी मतलब ओपरा अजनबी मेरे घर आएगा उसको ये तो नहीं ना पता ये कहाँ सोए हैं कहाँ बैठे हैं क्या है तो इधर से को होगा बोलेगा वो उधर सोया है ये इधर है तो तब जाके वो एक्शन कर हैं यही मैं यही सोचता हूँ बीच में है ना जो फौज को मरा रहे मतलब जवान जा रहे हैं या सिविल जा रहे हैं बच्चे छोटे छोटे सिविल भी तो गए ना रजौरी में कालाकोट में हर जगह में मोहम्मद रशीद यांचा मुलगा हवालदार अब्दुल मजीद नोवेबर दो हजार बावीस मधे राजौरी ऐसी जंगला शोध मोहिमे दरमियान कट्टरतावाद्या के गोलीबार मारला गेला मरणोत्तर कीर्तिचक्र दे गौरव ग कड़ी का प्रश्न हाच है अचानक जम्मू से हे भाग लक्ष्य का के लिए जाता है जम्मू रीजन में पिछले पंद्रह साल से अगर आप देखें लगभग पंद्रह सोलह साल 2007 8 के बाद यहाँ टेररिज्म खत्म हो गया था तो फोर्सेस ऑब्वियसली नीड बेस पे होती हैं और जब लद्दाख में इंडो चाइना बॉर्डर पे फ्रिक्शन हुई तो फोर्स जो आर्मी के यूनिट्स थे आरआर के यूनिट्स उनको मूव किया गया यहाँ से और सीएपीएफ की जो भी डिप्लॉयमेंट थी उसको भी तिन किया गया उन क्योंकि उनको कश्मीर में मूव किया गया और जो जे के पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स थे एस वो भी डीले पड़ गए नेचुरली और हो गई इन सारी का आय थिंक पाकिस्तान एडवांटेज लिया और फोकस करना शुरू किया जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणतात की ही परिस्थिती दुर्दैवी आहे पण फार चिंता करण्याचं कारण नाही अलीकडेच इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राशी बोलताना सिन्हा म्हणाले मला खात्री आहे की आम्ही याचा बिमोड करू हे पाकिस्तानचं कारस्थान आहे सगळ्यात मोठं आव्हान स्थानिकांचा सहभाग आहे सैन्य घुसखोरीवर लक्ष ठेवेल स्थानिक सहभाग जवळपास शून्य आहे हे मोठं यश आहे सैन्य आणि पोलीस याचा निपटारा करतील काही ठिकाणी घुसखोरी झाल्याचं आम्हाला समजतंय सैन्याने पोझिशन्स घ्यायला सुरुवात आहे रणनीती तयार आहे लवकरच आतंकवाद विरोधी ग्रीड स्थापन केली जाईल असा मला विश्वास वाटतो जम्मूच्या लोकांनी दहशतवादाचा सामना केलाय व्हीडीसी सदस्यांना स्वयंचलित हत्यारं देण्याचा निर्णय घेतला गेलाय गृहमंत्री यावर बारीक लक्ष ठेवून येत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी तीस सप्टेंबरची मुदत आपको आपली चुनी हुई सरकार देकर निवडणूक आयोगही त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्याची तयारी करतोय या सगळ्यात एक शंका कुजबुजत विचारली जाते जम्मूला लक्ष करणारे हे हल्ले येणाऱ्या निवडणुका रोखण्यासाठी तर केले जात नाहीयेत ना